हेलो एंड वेलकम टू एसीआई। तो आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसका नाम है फॉर ईच। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं सारी फाइलें। इसको भी क्लियर करते हैं, क्लोज। ओके, तो हम एक फाइल बनाते हैं, नाम रखेंगे फॉर ईच कॉमा जेएस। डेस्कटॉप बना लेते हैं इसको हम लोग। सॉरी, हम लोग को HTML बनाना था इस फाइल को। चलो फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, सेव करते हैं फॉर ईच डॉट HTML और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पर हम इसके कुछ टैग को ले आते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम अपने फॉर ईच की। तो सबसे पहले फॉर ईच को जानने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हम लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक्चुअली लूप का ही एक रिप्लेसमेंट है हमारा फॉर ईच, जो लूप की नॉर्मल फॉर लूप व्हाइल लूप को चेंज कर देता है और काफी छोटा कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। ओके ओके, ये बना दिया हमने। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल कॉन्स्ट लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एक एरे बनाएंगे। एरे वेरिएबल होगा हमारे पास, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगे, हमें 20, 3 अल्टरनेट नंबर कुछ भी डाल दीजिए आप। ठीक है, एंड ऑफ लाइन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस में रखी गई वैल्यू मुझे यूज करनी है, सिंपल सी बात है, मुझे यूज करनी है। तो पहले तो हमने जो बनाया इसको हम लाइव खोल लेते हैं, इससे कि हमें जो क्लियर हो तो हमारी फाइल बनी कहाँ पर है। सर्च कर लेते हैं फटाफट से इसको डेस्कटॉप पर, कहाँ बन के आई हमारी फाइल। तो फॉर इच हमारे पास देखिए दिख रहा है यहाँ नीचे, फॉर इच हमारे पास, तो हम इसको और किसी फोल्डर में रख लेते हैं। फॉर इच नाम का फोल्डर हमारे पास आ चुका है, इस फाइल को उठा के इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं। ओके, तो फॉर इच आ चुका है हमारे पास, क्योंकि तो हमें लाइव शो करना है, इसके लिए फोल्डर का होना जरूरी है। तो हम एक काम करते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं, फॉर इच वाला हम क्लिक करते हैं, सिंपली सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास बेनिफिट्स टाइप का ओपन हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास ये आ चुका है, नीचे गो लाइव दिखा रहा है, हम क्लिक कर देंगे उसके ऊपर। अब ये फाइल हमारी लाइव हो जाएगी, जिससे कि हम यहाँ कोई भी एडिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दिखता रहेगा, जो कि देखिए आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो सिंपली पहले प्रिंट कर लेते हैं इसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम प्रिंट करेंगे लिस्ट को। जैसे हमने यहाँ देखिए सेव किया, ऑटोमेटिकली हमारे इस पेज पर हमारा जो लिस्ट है वो एरे जो है वो शो करने लगा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको लूप की मदद से एक्सेस करना है, तो नॉर्मली लूप कैसे काम करता है पहले वो जान लेते हैं, बहुत ईजी है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो हमने माना फॉर लूप यूज करने वाले हैं, जहाँ हम आई बेसिकली सबसे फंडामेंटल चीज हमारे पास है, आई आई को यूज करते हैं। आई हमें हम लेट मान लेते हैं, आई हमारा होगा स्टार्टिंग होगी 0 से, क्यों, क्योंकि हमारा एरे की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। ओके, और हमारा आई जो है उसको हम चेक करेंगे कहाँ तक, लिस्ट डॉट लेंथ तक चेक करेंगे, और हम चाहते हैं हमारा आई प्लस प्लस हो जाए। जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि लूप की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो कोई दिक्कत तो है नहीं हमको लगता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, और लिस्ट में हम प्रिंट करेंगे आई को। ठीक है, देखिए फिर से हमारे पास सब आ गया, देखिए 23 वगैरह वगैरह आ चुका है। हम चाहते हैं इसको नीचे की तरफ प्रिंट हो जाए, मतलब लाइन की चेंज हो जाए, तो आगे हम यूज करेंगे अपना ब्रेक कमांड। ओके, कॉमा यूज करते, देखिए हमारे पास आंसर हमारा कुछ, हमारा जो एरे है वो कुछ इस प्रकार से शो होने लगा। ठीक है, इसमें मुझे काफी कंडीशन देनी पड़ी, आई देना पड़ा, लेस देना पड़ा, लेंथ देना पड़ा, काफी कुछ हमको देना पड़ा है। तो अब इसी सेम प्रॉब्लम को हम करने वाले हैं फॉर ईच की मदद से। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम सिर्फ ऊपर का हिस्से हटा देते हैं, फॉर ईच ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है, फॉर ईच लिखा जाता है, और ये फॉर ईच मुझे यूज किसके ऊपर करना है उसका नाम आगे लिखते हैं। तो हमें लिस्ट डॉट, तो लिस्ट के अंदर मुझे सारे स्टेटमेंट चेक करने हैं फॉर ईच के। ठीक है, लिस्ट के अंदर मुझे सारे स्टेटमेंट चेक करने हैं फॉर ईच के, तो हम ध्यान देंगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट मैंने क्लोज वाला क्यों हटा दिया, क्योंकि मुझे क्लोज ब्रैकेट मेरा यहाँ होना चाहिए लास्ट में, इसलिए मैंने इसको वहां से हटा रखा है। इसके अंदर मैंने
कुछ फंडामेंटल दे दिए, जैसे पैरामीटर जो इसके पास होते हैं। मैंने कहा मुझे ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, आप मान सकते कुछ भी सकते हैं। मैंने माना ऑप्शन कि आप कुछ भी रह सकते हैं, और अभी के लिए बस ऑप्शन हम चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आ चुका है और हमको यूज करना पड़ेगा एरो फंक्शन की। मैंने फंक्शन माना नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है और अब हम चाहते हैं प्रिंट करना केवल लिस्ट को, जो कि हमारे पास यहाँ आ चुका है। हम चाहते हैं ऑप्शन को प्रिंट करना। जो पैरामीटर हमने यहाँ माना होगा वही पैरामीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने कहा मुझे ऑप्शन चेक करने, मैंने ऑप्शन लिखा, सेव किया। जैसे सेव किया देखिए हमारे पास हमारे एरे वापस से शो हो रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक, कितना आसान है ये कि मैंने कहा कि जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उस लिस्ट में डॉट फॉरिच, मतलब उस लिस्ट में फॉरिच मतलब सभी के लिए ऑप्शंस को चेक कीजिए एरो फंक्शंस की मदद से, और आप यहाँ पर हमने सिंपली ये डॉक्यूमेंट राइट एंड फंक्शंस की मदद से इसको एक्सेस कर पाए हैं। अगर हमें नहीं यूज करना है एरो फंक्शन को, तो हम सिंपली इसको ब्रैकेट बंद करके और आगे मैं फंक्शन कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ। देखिए कोई ऑप्शन में कोई हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आया है, बिल्कुल राइट सही आंसर है। तो चाहे आप यहाँ फंक्शन लिख लीजिए और चाहे आप यहाँ पर एरो यूज कर लीजिए, दोनों चीज बिल्कुल सेम है। तो मैंने एरो यूज किया है। मैं चाहता हूँ मुझे ये जो 20 है वो कहाँ रखा गया है, या 20 जो नंबर है वो किस नंबर पर रखा गया। मैं यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शायद, और मैं ऑफलाइन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि मैंने क्विज वाला पढ़ाया था आपको। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिख लेते हैं, तो ऑप्शंस को एक्सेस करके दिखाएंगे। तो मैंने वाले कंप्यूटर इनपुट आउटपुट और नन, मैंने ये चार ऑप्शन ले लिया। देखिए शो कर, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर किस नंबर पर, किस इंडेक्स नंबर, मुझे वो भी चेक करना है। तो मैंने यहाँ कॉमा करके मैंने यहाँ पे पैरामीटर में इंडेक्स पास कर दिया, और मैंने प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा। इंडेक्स में इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, कॉमा किया, और सिंपली मैंने थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए इसमें कॉलन लगा दिया। अब सेव करेंगे, देखेंगे हमारे पास 0 पर कंप्यूटर है, 1 पर इनपुट है, 2 पर आउटपुट है, 3 पर नन है। तो फॉरिच ने आपके काम को कितना आसान कर दिया, वो आप देख पा रहे हैं कि आप एक ही समय पर आप इंडेक्स भी प्रिंट करा पा रहे हैं, आप ऑप्शन भी प्रिंट करा, आप चाहें तो ये पूरी की पूरी लिस्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पैरामीटर में आपको एक काम करना है, या मैं यही डायरेक्टली यहाँ पर कॉमा करते कि लिस्ट लिखता हूँ। ठीक है, देखिए लिस्ट आ चुकी है मेरे पास, सिर्फ लिस्ट लिखने से मेरे लिस्ट आ चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने इस लिस्ट को थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर से एक कॉलन यूज किया, कॉमा किया, सेव किया, देखिए कॉलन आ गया। और मैं चाहता हूँ कॉलन ना आ करके एक ब्रैकेट आ जाए, जिससे कि हमारा जो लिस्ट है वो अच्छे से दिखाई दे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी लिस्ट भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। हमने कितनी आसानी से इस चीज को यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ लिस्ट लिख रहे हैं, तो आप अच्छा कीजिए कि आप पैरामीटर में भी लिस्ट को शो कराइए, इससे आपके प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी प्रोग्राम को। तो मैंने ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिख लिया, इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स लिख लिया, लिस्ट चाहिए तो मैंने लिस्ट भी लिख ली। और मैं आसानी से केवल और केवल पैरामीटर और प्रिंट में चेंजेस करके हम किसी अपनी उस ऑप्शंस की सारी चीजें याद ज्ञात कर पा रहे हैं। तो फॉर ईच एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके लूप का, जो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कि आपको नहीं जानना है कि आपके इस लिस्ट में कितने वैल्यू रखे गए हैं, इस लिस्ट की लंबाई क्या है, इस लिस्ट की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये लिस्ट खत्म कहाँ हो रहा है, नथिंग, कुछ नहीं जानना आपको। बस आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस लिस्ट के सभी एलिमेंट को यूज की एक्सेस कीजिए। क्या क्या एक्सेस करना है, मैंने कहा मुझे ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिख दीजिए, जो भी चाहिए आपको वहां लिख दीजिए, और इसका प्रयोग आप आसानी से यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर ईच। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, सीखते रहिए, धन्यवाद।